नैनीताल में मौसम का परिवर्तन नज़र आ रहा है आपको, और आप देख रहे हैं कि किस तरह ओले आज नैनीताल में मिले हैं। ये देखिए, ये नैनीताल का बहुत खूबसूरत नज़ारा, और तमाम छतें जो हैं वो ओलों से भर चुकी हैं, और सड़क में भी ओले नज़र आ रहे हैं। तो नैनीताल में काफ़ी समय बाद आज बारिश हुई है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से छतों में भी बर्फ़ जमी हुई है, और ये बताता है कि आज नैनीताल का मौसम बिल्कुल अपने पुराने ओट में आया। और हल्का सा सूरज अब इस शाम के समय में निकल आया, आप देख रहे हैं कि किस तरह से छत पूरी भरी हुई है इस महत्वपूर्ण नज़ारे को लेकर। बिल्कुल ओले से भरी हुई छतें, सफ़ेद पट नज़र आ रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद चादर सी नज़र आ रही हैं। देखिए आप किस तरह से नैनीताल के इस खूबसूरत मौसम का नज़ारा आप देख रहे हैं, और ये देखिए किस तरह से छतों में बहुत बढ़िया, जो बाज़ार में कम दिखाई दे रही है लेकिन स्नो व्यू साइट को काफ़ी दिखाई दे रही है, जिसका नाम ही स्नो व्यू है, लेकिन हर पैच में आपको ये ओले नज़र आ रहे हैं। तो ये ओले निश्चित रूप से नैनीताल के मौसम को खूबसूरत बनाते हैं, और इस खूबसूरती में एक और उन्होंने आज इस मौसम को बनाया है। तो आप सबका स्वागत इस मौसम में, बहुत बहुत स्वागत। और ये ओले हैं, देखिए काफ़ी बड़े बड़े ओले पड़े हुए हैं, और आप देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल जमे हुए हैं, अभी कुछ वक्त लेगा जब ये गलेंगे, लेकिन इन्होंने नैनीताल की खूबसूरती में आज निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने में हम सबको एक बार उद्वेलित किया। ठंड हुई है लेकिन थोड़ा फसलों को, जो पड़ोस के हमारे गांव हैं उनमें निश्चित रूप से नुकसान होगा, खुमानी पुल्लम में भी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत तेज़ ओले पड़े आज। करीब करीब 3 से 3.5 घंटे आपके ओले, और साथ में आपकी बारिश भी हुई। तो एक बार नैनीताल का लेक आप देख रहे हैं, दूर से दिखाई दे रहा है, नैना देवी टेम्पल भी आपको दिखाई दे रहा है, उसके बगल में गुरुद्वारा भी दिखाई दे रहा है, और ये खूबसूरत नज़ारा स्नो व्यू पॉइंट के ठीक नीचे से।